वाई चूजिंग द राइट वर्ड्स आर इम्पॉर्टेंट. अरे क्या ही फ़र्क पड़ता है हम राइट वर्ड्स यूज़ करें या ना करें. यू नो वॉट, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है. आप किसी की कितनी केयर करते हो, कितनी रिस्पेक्ट करते हो, कितना प्यार करते हो, वो सिर्फ और सिर्फ आपके वर्ड्स में झलकता है. अब आप किसी से कितना प्यार करते हो, कितनी रिस्पेक्ट करते हो, और आप उसके मुंह पे कुछ और कह रहे हो, गलत इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स यूज़ कर रहे हो जो शायद कभी कभार उसको हर्ट कर दें, बट आप इतना ध्यान नहीं दे रहे क्योंकि मन में तो आपकी फीलिंग्स वैसी नहीं है ना उस इंसान के लिए. बट सामने वाले को वो कैसे पता चलेगा? सामने वाले आपका फीलिंग्स नहीं देखता, सामने वाला सिर्फ आपके वर्ड्स देखता है कि आप उसके लिए क्या वर्ड्स यूज़ कर रहे हो. सोच के देखो, दिन में एक इंसान ही हमारे पास आ जाए, वो हमें कॉम्प्लीमेंट कर दे सिर्फ 2 या 3 वर्ड्स यूज़ करके, एंड हमारा पूरा दिन अच्छा जाता है, रात को नींद भी अच्छी आती है. तो ये हमारे हाथ में है ना कि हम किसी का दिन अच्छा गुजारने दे रहे हैं या हम किसी का दिन ख़राब कर रहे हैं. जस्ट कि हम कैसे वर्ड्स यूज़ करते हैं. है तो ये बहुत छोटी सी चीज़ बट हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो, चाहे वो हमारे फ्रेंड्स हों, पेरेंट्स हों, टीचर्स हों, या फैमिली हो, सिबलिंग्स हो, कोई भी हो. जब हमारी बात नॉर्मल वे से अच्छे वर्ड्स यूज़ करके हो सकती है, तो हम क्यों हेटरेट फैलाएं, हम क्यों ऐसे वर्ड्स यूज़ करें कि लोगों की रातों की नींद उड़ जाए.